शिजान खान लगभग एक साल के बाद टीवी शो चांद जलने लगा के साथ टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। अलीबाबा शो के बाद शिजान का ये पहला टीवी शो होने वाला है जिसमें वो लगभग एक साल के बाद दिखाई देंगे। लंबे वक्त के बाद नए डेली सोप के साथ वापसी करने पर जहां उनके फैंस काफी खुश हैं, बेताब हैं कि इस बार शिजान का किरदार कैसा होगा, कैसे वो इस शो से अपनी अलग छाप छोड़ेंगे, तो वही खुद शिजान भी अपने नए शो में काम करने को लेकर काफी बेताब दिखे। शिजान ने अब अपने कमबैक पर दिल खोलकर अपनी बात रखी है और एक साल बाद नए काम को लेकर खुशी भी जाहिर की है। इंडिया फोरम से खास बातचीत में शिजान ने कहा, ऐसे समय में जब मुझे लोग काम देने से झिझकते थे, किसी ने ऐसे करने की हिम्मत की। पहली पोजीशन हासिल करना मेरे नियंत्रण में है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले दौड़ का हिस्सा बनना होगा। आप मुझे 10वें नंबर पर रखो, पहले नंबर पर आना मुझे आता है। फिलहाल मैं वापस आकर खुश हूं। मेरी अधिकांश सीख मेरी माँ है, जिन्होंने अकेले ही मेरी बहनों और मुझे बड़ा किया। मैंने उन्हें असफल और सफल होते देखा है, क्योंकि उन्होंने हमें समर्थन देने के लिए कई छोटे मोटे पैमाने पर काम किए हैं। वहीं डेली सोप शोज को लेकर शिजान का मानना है कि ऐसे शोज में काम करने से ऑडियंस तुरंत उनसे जुड़ती है। वो कहते हैं, डेली सोप का हिस्सा बनने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि एक्टर तुरंत अपने ऑडियंस से जुड़ जाता है और काम पर सीख लेता है। मुझे शून्य से फिर से शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम से कम मुझ में इसे फिर से शुरू करने की हिम्मत तो है। इसके अलावा मैंने काम के प्रति अपना नजरिया नहीं बदला। मैं अभी भी खुद को एक न्यूकमर मानता हूं और मैं खुद को अंत तक एक ही रूप में देखूंगा, क्योंकि जीवन आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है। वो आगे कहते हैं कि टीवी शो के सेट पर रहना उनके लिए खुशी की बात है और लगभग एक साल बाद एक्शन और कट फिर से सुनना अच्छा लगा। बता दें कि शिजान खान अलीबाबा शो के बाद खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में भी नजर आए, लेकिन उनके फैंस लंबे समय से उन्हें एक नए शो में देखने की चाह में थे और अब उन्होंने कमबैक किया है कलर्स टीवी के शो चांद जलने लगा से। ऐसे में अब देखना यह है कि अपने नए शो से शिजान को कितनी ऊंचाई मिलती है, कितनी पॉपुलैरिटी मिलती है।